शहीदों की इन चिताओं को देख आज पूरा देश गम में है। एक दो नहीं, पूरे 25 जवानों की नक्सलियों ने हत्या कर दी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में मारे गए जवानों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में नक्सली हमले में शहीद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 25 जवानों को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलिराम जी दास चंदन, मुख्यमंत्री रमन सिंह और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी रायपुर के माना स्थित 4th बटालियन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह ने मीडिया से भी बात की। कल सुकमा में वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा जो हमला किया गया है उसे मैं बेहद कायरतापूर्ण मानता हूं और इसे दुर्भाग्यपूर्ण भी मानता हूं। और मैं यह मानता हूं कि वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा किया गया यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और आदिवासियों को अपनी ढाल बनाकर विकास के खिलाफ अभियान छेड़ने की यह उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं यह भी दृढ़ता के साथ कहना चाहूंगा इसमें वह किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ मिलकर हम कार्रवाई करेंगे और अब तक जो कार्रवाई की जा रही है उसके कारण जो बौखलाहट है उनके अंदर उसी का यह परिणाम है। और उनके द्वारा डेस्परेशन में की गई यह कार्रवाई है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों का यह बलिदान किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, इसीलिए यह भी फैसला किया है कि हमारी जो LWE की स्ट्रेटजी है उसको हम पुनः रिव्यू करने जा रहे हैं। जरूरत होगी तो हम उसे रिवाइज भी करेंगे और 8 मई को दिल्ली में वह बैठक मैंने बुलाई है और कई राज्यों के अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। बराबर वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा विकास कार्य को रोके जाने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई है कि वह कभी नहीं चाहते कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं अथवा गरीबों के क्षेत्र हैं उनका विकास हो। यह आदिवासियों के और गरीबों के सबसे बड़े दुश्मन यदि इस देश में यदि कोई है तो यह हमारे वामपंथी उग्रवादी हैं। अब हमारे 25 जवानों की जाने गई हैं, 7 घायल हुए हैं। जिन हमारे बहादुर जवानों ने अपना बलिदान दिया है उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना और सहानुभूति भी व्यक्त करता हूं। और पुनः मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे बहादुर जवानों का यह बलिदान हम किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाने देंगे। नहीं, यह कभी स्ट्रेटजी कभी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। यह बात तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी समझते होंगे। स्ट्रेटजी कभी अभी भी बैठकर पूरी बातचीत की है और पूरी जानकारी मुझे प्राप्त हो गई है और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि 8 मई को ही बैठकर हम अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे। यह फैसला किया है। मैंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ जो यहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर अभियान चलाया था उसके परिणाम स्वरूप एक डिस्परेशन उनके अंदर पैदा हुआ है और जिसके और ये हम लोग मान कर चल रहे थे कि इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। कभी भी कुछ उनके द्वारा कोशिश हो सकती थी भविष्य में कोई बड़ी वारदात करें, लेकिन अब ये घटना हो गई बहुत ही दुर्भाग्य। 300 से 400 के करीब नक्सली आते हैं, किसी को कोई खान पान पता नहीं लगती, इंडिविजुअल हमारे कहाँ पर है, सीआरपीएफ के। मैं समझता हूँ कि
ऐसी घड़ी में किसी पर दोषारोपण करने का कोई औचित्य नहीं है और ये करना नहीं चाहिए। आप सबका भी सहयोग चाहिए और आज हम लोगों की बातचीत हुई है सारे अधिकारियों के साथ, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी के साथ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ लीडरशिप की कोई कमी नहीं है और मैं समझता हूँ कि हमारी सीआरपीएफ हो अथवा बीएसएफ हो, किसी की लीडरशिप की एफिशिएंसी के ऊपर, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाया जा सकता। लीडरशिप की लीडरशिप सीआरपीएफ कोई और यहाँ पर, और यदि सीनियर ऑफिसर्स की पोस्टिंग करनी होगी तो वह भी हम करेंगे, यह भी हमने तय किया। नहीं नहीं, हम ये आपको बतला के नहीं करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। मैंने जो कुछ भी है स्ट्रेटजी, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया कि कभी भी स्ट्रेटजी डिस्क्लोज नहीं की जाती है, क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। लेकिन 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 इलाकों में राजनीतिक नेतृत्व की कमी भी एक वजह है, ताकि माओवादी बार बार उनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप का एक वैक्यूम है, उस फ्रंट पे सरकार कैसे सोचेगी। मैं इन सब सारी चीजों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। इन सब करने का सीएम साहब हमेशा ये कहते हैं कि नक्सली डर के ये काम कर रहे हैं, तो क्या बिना डर के वो बेहतर थे? सुकमा जिले में नक्सलियों ने सीआरपीएफ पर घात लगाकर हमला कर दिया था। इस घटना में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 25 जवानों की मौत हो गई थी, जबकि 6 जवान घायल हो गए थे। इस घटना के बाद पूरे देश में नक्सलियों के लिए लोगों के दिलों में आक्रोश है और सरकार कह रही है कि बलिदान बेकार नहीं जाएगी, लेकिन कब तक, ये एक बड़ा सवाल है। देश कब तक सैनिकों के बलिदान पर रणनीति की बात कर आंसू बहाएगा और यूं ही हमारे जवान शहीद होते जाएंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।